5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है भटूरा और 10:30-11 बजे तक। सुबह 5:30 बजे लोग आ जाते हैं खाने? अरे अरे आप सवेरे आइए फिर देखिए। छोलो भटूरों में ऐसा क्या मिलाते हैं जो दीवानगी फैला रखी है आपने पूरे चादरा में? ऐसा कुछ नहीं है सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नरेश शर्मा सर। नरेश शर्मा। हाँ जी। तो अंकल जी आप ये शॉप कितने टाइम से चला रहे हैं? सर 8-10 साल हो गए। अच्छा जी, दो ब्रेक। तो अंकल जी 7 डेज ओपन रहती है वीक में? हाँ जी, वीक में 7 डेज। हाँ 7 डेज ओपन। ओके, ये देखिए छोलों की रंगत, ये बिल्कुल एकदम रोगन अलग हो चुका है चनों से इनके। तो अंकल ये कौन से छोले होते हैं? ये सफेद काबली छोले। इसे बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है इन छोले का? कुछ ये अलग सी चीज़ है। इसमें बनाने में सवेरे हम 3 बजे लग जाते हैं, 5:30 बजे भटूरे लेते हैं हम हाथ में। भाई आपको अंकल जी का टेस्ट कैसा लगता है? बेहतरीन। बेहतरीन, मजा आ जाता है। कितने टाइम से आ रहे हैं आप लगभग यहाँ पे? 7-8 साल ही आते हुए। अच्छा, जब से दुकान खुली है तब से ही आ रहे हैं लगभग आप? आप आसपास से ही आए हैं कहीं दूर से? थोड़ी दूर से आया हूँ। ये भाई साहब जो है डेली वाले हैं। अच्छा, डेली वाले हैं। डेली एक पत्ता छोले जरूर खाना। भीम की लत लग चुकी है ये कह सकते हैं हम? नहीं, ये बचपन से खा रहे हैं, लेकिन जब से इनकी दुकान खुली है इनके अलावा किसी ने भटूरे नहीं खाए। अच्छा, हम डेली में थे। तो देख सकते हैं आप सवेरे सवेरे ये दोनों भाई आए हुए हैं, काफी दूर से आए हुए हैं अपनी कार लेके यहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए। तो इतनी दीवान गई इनके छोले भटूरों की। दो जगह। पंडित जी बोलो बोलो बोलो, हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, लगाइए। चलिए अभी लगाते हैं। तो पंडित जी ने पहले ले लिए प्लेट, ये लीजिए सर। इसके अंदर आ गए इनके छोले, ये तरी, ये आ गए रोगन, ये लीजिए आलू। अच्छा जी, ये लीजिए गाजर, गाजर का अचार, ये लीजिए प्याज, प्याज भी थोड़ी सी। तो देख सकते हैं अंकल जी का अंदाज कितना निराला है छोले भटूरे खिलाने का। तो अंकल इस छोले में अफीम मानो या आपका प्यार? प्यार 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 प्यार। अच्छा, ये प्यार की बात है सारी? सब प्यार की बात है। ये आम, ये आम, ये लिए जिंजर, ये जिंजर, जिंजर का भी अचार है? जिंजर। तो कितने तरह के अचार है लगभग? 8-10 तरह के अचार है। ये लीजिए सर प्लेट। तो इसमें भटूरे तो आए नहीं? भटूरे आएंगे अभी। अच्छा, भटूरे अलग से आएंगे? भाई संडे का दिन है और दिल्ली की मॉर्निंग हो चुकी है, 9 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप लाइनें कैसी लग रही हैं। एकदम से भीड़ भड़क्का हो गया है, लोग लड़ने पे उतारू हो गए इनके भटूरे खाने के लिए। तो भाई साहब आप अगर आए तो ये राज शर्मा जी के छोले भटूरे ही ट्राई करें। यहाँ पे शर्मा जी के नाम से काफ़ी छोले भटूरे वाले हैं, लेकिन जो स्वाद अब बचा है ना किसी के भटूरों में वो यही शॉप है। मुझे तो ऐसा लगता है छोलों में क्या मिलाते हैं पता नहीं, हम तो रोज सुबह जिम जाते हैं और जिम से यहीं आते हैं। तो भाई ये है कुछ हमारी इस प्रकार से इनकी छोले भटूरे की प्लेट, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग करके। तो भाई ये भटूरा देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, पहले तो आप भटूरे का साइज देख लो, फिर ये आगे से भटूरा, अंदर कुछ फिलिंग नहीं है, खाली है, सिंपल है, देखते हैं। ओए होए, रंगत देखो भाई इनके छोलों की, बिल्कुल अलग ही है इनके, ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल। इनके प्याज के लच्छे भाई, अचार तो पता नहीं 1-2-3-4-5 तरह का तो अचार है, समझ नहीं आ रहा कौन सा अचार खाएं पहले। भाई मजा आ गया, आज पता लगा कि सुबह उठ के 5:30 बजे इतनी भीड़ क्यों आती है इनके छोले भटूरे खाने के लिए। भाई एकदम एक नंबर छोले भटूरे बना रखे हैं, ऐसे छोले भटूरे मैंने निखाए इस एरिया में। ये देखो भाई इसके अंदर एक डालते हैं आलू का पीस, मजा आ गया भाई। कोशिश करना संडे वाले दिन तो आप जितनी जल्दी आ सके उतनी जल्दी आना, यू मोस्ट सोचना 11 बजे जाए, 11 बजे तक आओगे ना तो सब सामान लूट चुका होगा, बिक चुका होगा, भीड़ इतनी होती है ना। एक बार और देख लो भाई, ये देखो कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं खड़े हुए, कब हमारा नंबर आएगा,
कब हमें भटूरे मिलेंगे। मैं भी खड़ा हूं। ये देखिए भाई, तो भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, तो पीयूष भाई आप कब से आ रहे हो उनके पास? भाई मैं बचपन से आ रहा हूँ ना, फिफ्थ सिक्स क्लास से। बहुत पुराने फेमस शॉप है। कैसा लगता है इनका टेस्ट? बढ़िया लगता है। अंकल जी का बेटा मेरा ट्यूशन फ्रेंड ही है। अच्छा जी, अंकल जी का बेटा, तो दोस्ती यारी वाली बात हो गई। यादव नहीं नहीं टेस्ट की ज्यादा बात है, टेस्ट अच्छा है। तो ये अफीम वफीम कहते हैं कि हम अपने छोलों में अफीम डालते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं है अफीम वगैरह। तो यहाँ पे लोगों को लस्सी लग जाती है, सात सात आठ आठ साल से आ रहे हैं लगातार। दिल्ली वाले हर जगह भटूरे खाने वाले। भाई भाई आपको कैसा लगा टेस्ट? भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं अभी पांचवी क्लास से खा रहा हूँ भाई। अच्छा जी, आपको कैसा लगा भाई? भाई मेरे को तो एक नंबर टेस्ट लगा। तो इन भाई ने अभी अभी छोले भटूरे की अपनी प्लेट खत्म करी है, तो भाई आपको कैसे लगते हैं यहाँ के छोले भटूरे? बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो दो तीन सालों से खा रहे हैं यहाँ। तो दो तीन सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या खासियत लगती है इनके भटूरे में? खासियत भी इनके छोले है। मुझे तो ऐसा लगता है छोलों में क्या मिलाते हैं पता नहीं, हम तो रोज सुबह जिम जाते हैं और जिम से यहीं आते हैं। तो ये डोले छोले वगैरह आज आपके? डोले छोले तो बिल्कुल भटूरे में खत्म ही कर दिए हमारे। तो भाई स्वाद में आ गया अंकल जी के मजा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई जल्दी से जल्दी हमारे बन के करा दीजिए, आपके याद में बहुत टाइम हो चुका है। तो वीडियो डालते डालते देख लीजिए कितनी मेहनत लगती है सुबह सुबह उठ के बात करना इतनी भीड़ में। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें।